एवरीवन, हम किसी भी एग्ज़ाम को अगर क्रैक करना चाहते हैं तो जो सबसे मेन स्टार्टिंग स्टेप होता है उसकी तैयारी करना, प्रिपरेशन करना। तो जब आप तैयारी स्टार्ट करते हो तो उसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट कुछ बातें होती हैं, अगर आप स्टार्टिंग में उसे दिमाग में रखते हो तो आपकी जो प्रिपरेशन है वो स्मार्ट वे से हो जाती है। जब आप प्रिपरेशन स्टार्ट करते हो तो जो मेन चीज़ होती है वो हमारे पास क्या होती है, एक तो सिलेबस, सेकेंड थिंग बुक्स। तो मास्टर कैडर मैथ के लिए कौन सी बुक्स और सिलेबस, यहाँ पे हम सिलेबस का एनालिसिस करेंगे, वो चीज़ यहाँ पे हम देखेंगे। देखिए, आपने ये चीज़ तो सिलेबस आप सबके पास है, सिलेबस को एक पढ़ने की कला भी होती है ना। आपके पास जो मेन हेडिंग होता है, जैसे मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट हेडिंग है आपके पास, कॉम्प्लेक्स नंबर हेडिंग है, हम हेडिंग पढ़ के ही करना पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। सिर्फ हेडिंग पढ़ के ही नहीं, उसके अंदर डीप पॉइंट्स भी पढ़ो कि उसके अंदर कौन कौन से पॉइंट्स लिखे गए हैं। जैसे मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट टॉपिक जब आप देखोगे, प्लस वन प्लस टू का टॉपिक भी है, प्लस उसमें लास्ट में रैंक ऑफ मैट्रिक्स, आइगन वैल्यूज, आइगन वैक्टर्स भी लिखा हुआ है, दैट मीन्स साथ में BSc भी आ गया, ठीक है ना। तो इसी के बिहाफ से हम कह सकते हैं कि हमारा सिलेबस दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, एक तो प्लस वन प्लस टू और एक BSc के रिगार्डिंग, यानी कि जिसको हम बोलते हैं अपने ग्रेजुएशन के टॉपिक के रिगार्डिंग। देखा जाए हमारे पास एग्ज़ाम में 150 क्वेश्चन आते हैं नियर अबाउट, है ना, 150 क्वेश्चन आते हैं टोटल हमारे पास। और जो ये क्वेश्चन आते हैं ना, इसमें अगर मैं बात करूँ 90 से 100 क्वेश्चंस किसके हो जाते हैं, प्लस वन प्लस टू के ही हो जाते हैं। तो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे प्लस प्लस वन प्लस टू। कुछ कैंडिडेट प्लस वन प्लस टू को छोड़ते तो नहीं है, वो इसे ईजी वे ले लेते हैं कि हमें आता है, हम कर लेंगे MCQ हैंडल, तो वहीं पर वो मार खाते हैं, ठीक है। तो मेन हम क्या करते हैं कि यार हमें ग्रेजुएशन बिल्कुल नहीं आता, पहले ग्रेजुएशन पकड़े, नहीं, इतनी बड़ी गलती नहीं करनी है। प्लस वन प्लस टू से ही हमने स्टार्ट करना है अगर हम तैयारी करनी स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि जो इस प्लस वन का जो बेस होता है वो आगे ग्रेजुएशन में भी काम आता है। तो दैट्स वाई प्लस वन प्लस टू से स्टार्ट करेंगे तैयारी करनी, फिर हम ग्रेजुएशन के लेवल तक जाएंगे, ठीक है ना। नियर अबाउट कभी कभी 40 क्वेश्चंस आते हैं, कभी कभी 110 क्वेश्चन, ज़्यादातर 40 क्वेश्चंस ही होते हैं जो हमें BSc के मिलते हैं अगर मैं बात करूं। बट अब थोड़ा थोड़ा लेवल फ़र्क पड़ता जा रहा है, उसके अकॉर्डिंग मैंने 90 से 100 क्वेश्चन ही लिया है कि प्लस वन प्लस टू से आते ही, ठीक है जी। तो जब हम तैयारी करनी स्टार्ट करते हैं उसी के साथ में दिमाग में आता है कि कौन से बुक से और कैसे हमने स्टार्ट करना है, ठीक है जी, कैसे हमने स्टार्ट करना है, ठीक है। लेकिन अब थोड़ा लेवल का फ़र्क पड़ता जा रहा है, दैट्स वाई क्वेश्चंस में आगे पीछे हो सकता है। देखो, हम पेपर एनालिसिस लेके आते हैं, पेपर एनालिसिस में हम क्या देखते हैं कि कौन से टॉपिक में से कितने क्वेश्चंस आए हुए हैं, लेकिन इन्होंने कोई मेंशन नहीं किया हुआ कि कौन से टॉपिक में से कितने आएंगे, है ना। हम देखेंगे जब पेपर्स का एनालिसिस करके कि किसी टाइम किसी में टॉपिक में से ज़्यादा आ जाते हैं, किसी टाइम किसी टॉपिक में कम आ जाते हैं। अब जैसे लास्ट टाइम की बात करूँ, मैथमेटिक रीजनिंग जो हमारा टॉपिक था उसमें से उन्होंने 8 क्वेश्चन दे दिए थे, नॉर्मली आगे उसमें से सिर्फ एक क्वेश्चन आता था। तो दैट्स वाई ऑल चैप्टर इम्पॉर्टेंट है, ऑल टॉपिक इम्पॉर्टेंट है, किसी को छोटा या बड़ा देख के नहीं छोड़ना है। अब आती है बुक्स की बारी, ठीक है ना। जो प्लस वन प्लस टू के टॉपिक हम करते हैं उसके लिए कौन सी बुक्स हम फॉलो करें। तो भाई देखो, प्लस वन प्लस टू की अगर आपके पास बुक्स पढ़ी हैं, RD शर्मा की पढ़ी है, या जैसे अभी और भी राइटर की बुक्स हो रही है, अरिहंत पब्लिशर की आपके पास पढ़ी है, कोई भी अगर आपके पास ऑलरेडी पढ़ी है, फिर तो परचेज करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। पहले तो हम, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, ये जो RD शर्मा की बुक्स है उसमें से आप बेस क्लियर कीजिए। सबसे मेन जरूरी है बेस क्लियर करना, क्योंकि मास्टर कैडर में हमें डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। तो उस बेस को क्लियर करने के लिए जो स्टार्टिंग में पेज होते हैं ना, जो स्टार्टिंग के जो पेज कह सकते हैं हमने, उस पर ना नोट्स लिखे होते हैं कुछ, उन नोट्स को केयरफुली पढ़िए। जब भी आप कोई भी चैप्टर, आपने कॉम्प्लेक्स नंबर स्टार्ट किया या ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट किया, है ना, या मैट्रिक्स डिटरमिनेंट स्टार्ट किया, उसके स्टार्टिंग के जो नोट्स हैं उनको ध्यान से पढ़िए एक तो, ठीक है, नोट्स को जो लिखे होते हैं। प्लस उसके बाद जब हमने ये बेस थोड़ा सा क्लियर कर लिया, एग्जाम्पल्स देख लीजिए, ठीक है ना। एग्जाम्पल जो ज़्यादा लेंथी सॉल्व की हुई हैं उनको आप छोड़ सकते हो, क्योंकि इतना लेंथी हमें नहीं आता है। उसके बाद ना जब हम एक्सरसाइज में जाते हैं, एक्सरसाइज भी ना कुछ ना स्मॉल क्वेश्चंस होते हैं जो हम कहते हैं नॉर्मल डेफिनेशन बेस्ड होते हैं। जैसे हम
बता सकते हैं कि आरडी शर्मा की बुक्स में ना, जैसे मैट्रिक एंड डिटर्मिनेंट की बात करूं तो क्वेश्चन जैसे लिख रखे होते हैं कि अगर आपके पास ए कोई सिमिट्रिक मैट्रिक है ना, तो हमें ए बी को भी सिमिट्रिक करना है, तो इसके लिए कौन सी कंडीशन होनी चाहिए अगर ए बी को सिमिट्रिक करना है, भी ए बी इज इक्वल टू बी ए होना चाहिए या ए बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर होना चाहिए, ऐसे कुछ कंडीशंस दे देते हैं। तो ये चीज़ें हमें माइंड में हो जाती है कि ये चीज़ अगर होगी तभी हमारी ए बी भी सिमिट्रिक बनेगी। तो ये छोटी छोटी जो चीज़ें हैं ना, ये एक्सरसाइज में लिखी हुई होती हैं। तो एक्सरसाइज में बहुत लेंथी क्वेश्चन सॉल्व करके टाइम नहीं लगाना, टाइम वेस्ट नहीं करना। हमने जो ईजी क्वेश्चन हैं, यानी कि जो डेफ, यानी कि जो हमारा कहें कंसेप्ट क्लियर करते हैं, बेस क्लियर करते हैं, उन चीज़ों को ध्यान से पढ़ना है। ठीक है जी, उन चीज़ों को ध्यान से पढ़ना है प्लस वन प्लस टू के लिए कोई भी बुक्स। और उसके बाद जब लास्ट में, इसी बुक्स के लास्ट में ना एमसीक्यूज़ आते हैं, बट वो एमसीक्यूज़ कितने होते हैं, सिर्फ 30 या 35, बस इतने से एमसीक्यूज़ मिलते हैं। और इतने एमसीक्यूज़ से हमारा कुछ नहीं बनने वाला। क्यों नहीं बनने वाला? कॉम्पिटिशन बहुत हार्ड है और इतने एमसीक्यूज़ से अगर हम बोले तो क्रैक नहीं होता है। तो इसके लिए अब क्या करें, मैक्सिमम एमसीक्यूज को अगर हमने हैंडल करेंगे, क्वेश्चंस को सॉल्व करना सीखेंगे, तभी जाके हमारा क्रैक होगा। तो उसके लिए हम चाहे तो आप एक नवोदया विद्यालय की बुक्स आती हैं है ना, जिसमें टीचिंग एंट्रेंस एग्जाम वाले बुक्स होती हैं, वो वाली बुक्स को फॉलो कर सकते हो, या फिर आईआईटी एंट्रेंस एग्जाम है ना, क्योंकि इसी में ही होता है एंट्रेंस एग्जाम। मैं कह सकती हूँ कि प्लस टू के बाद जो एंट्रेंस एग्जाम होते हैं है ना, उनकी जो बुक्स होती हैं उसमें सिर्फ प्लस वन प्लस टू का ही एमसीक्यूज दिए रहते हैं, तो उन बुक्स को आप फॉलो कर सकते हो। ठीक है ना, आप मार्केट में जाइए, आईआईटी एग्ज़ाम आरडी शर्मा, इसकी अब जब अगर आपके पास आरडी शर्मा है तो ये वाली आरडी शर्मा लो, या फिर आरडी शर्मा मत लो क्योंकि आपके पास आरडी शर्मा थी, तो आप कोई और अनदर राइटर की बुक्स ले लीजिए। उपकार की बुक्स आती हैं, ओमकार की बुक्स आती हैं, उन बुक्स में से आप फॉलो कर सकते हो। ठीक है, मेन मैथ्स हमारा तभी क्रैक होता है जब आप करते हो प्रैक्टिस पे बेस्ड है। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी जल्दी एग्जाम में क्वेश्चन आपके हैंडल होंगे। ठीक है जी, प्लस वन प्लस टू की बुक्स क्या बता दिया, स्टार्टिंग आपने प्लस वन से करनी है, और क्वेश्चन की सिलेक्शन कैसे करनी है। अब जो मेन पॉइंट बता रही हूँ इसको ध्यान में सुनो, तभी मैंने बोला था कि वीडियो को लास्ट तक देखना। हमने बेस क्लियर किया, मैंने बोला कि एग्जाम्पल करनी है, ज़्यादा लेंथी नहीं करनी है, और एक्सरसाइज में क्वेश्चन देखने हैं। तो इन दोनों को सिलेक्ट कैसे करेंगे, भी किस टाइप से हमने कौन कौन से क्वेश्चन हमने देखने हैं, जब आईआईटी एंट्रेंस एग्जाम की जब हम एमसीक्यूज वाली बुक्स ले आते हैं इसमें तो बहुत हाई लेवल के क्वेश्चन होते हैं, तो क्या इतना हाई लेवल पढ़ के स्मार्ट स्टडी कहलाएगा? बिल्कुल नहीं कहलाएगा। तो क्या करेंगे, क्वेश्चंस की सिलेक्शन करेंगे। तो वो सिलेक्शन कहाँ से होगी, प्रीवियस ईयर पेपर। कहाँ से सिलेक्शन होती है भाई, वो जो भी टॉपिक कर रहे हो उस टॉपिक के पिछले सालों में कैसे क्वेश्चन आए हुए हैं, क्योंकि उसी लेवल के क्वेश्चंस को हमने यहाँ पे डिस्कस करना है, उसी टाइप के। ठीक है ना, उसी टाइप प्रीवियस ईयर आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करता है आपको एग्ज़ाम प्रिपेयर करने में। कोई भी टॉपिक करोगे उसके प्रीवियस ईयर में उठा के देखो कि कैसे कैसे क्वेश्चन है, तो उसी क्वेश्चंस की ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो, उसी टाइप के क्वेश्चंस की है ना। थोड़ा बहुत आगे पीछे तो हम करते ही करते हैं, बाकी आप अपने बिहाफ पे तैयारी कर सकते हो, बहुत अच्छी बात है। अगर आप नहीं कर सकते तो हमारे भी यहाँ पे भी ऑनलाइन बैच चल रहे हैं। मैं आपको अपनी ऑनलाइन बैच के बारे में भी थोड़ा सा ही यहाँ पे ओनली 2 मिनट की इंट्रो देना चाहूँगी, उसके बाद आपको बीएससी के टॉपिक के बारे में बताती हूँ कि बीएससी के टॉपिक्स में हमने कौन सी बुक्स और कहाँ से पढ़ना है। ठीक है ना, तो अब हमारे कोर्स के लिए आप भी हमारी जो smartstudyclasses.com है, स्मार्ट स्टडी क्लासेस, ये वेबसाइट भी है, ऐप भी है, इस पर विजिट कर सकते हो और देख सकते हो। अब हमारे कोर्स में जब हम पढ़ाते हैं तो पढ़ाने का वे क्या है, वो यहाँ पे थोड़ा सा डिस्कस करना चाहूँगी। ठीक है जी, कोर्स का जो हमारा प्लान है वो क्या रहता है, देखो पढ़ेंगे तो हर टॉपिक को कंसेप्ट वाइज क्लियर करना होगा। चाहे आपने 4-5 साल से पढ़ना छोड़ दिया मैथ्स, तो भी अगर आप हमारे साथ जुड़ते हो तो बेसिक से करवाया जाता है, आपको कोई दिक्कत नहीं आती, आप बहुत अच्छे से पढ़ लेते हो। लास्ट टाइम भी कितने स्टूडेंट्स ने हमारे पास लिया था, वो सब कह रहे थे कि मैम बहुत अच्छे से आपका टॉपिक समझ में आ रहा है, हमने 5-5 साल नहीं पढ़ा हुआ था मैथ है ना, तो अब हमें ऐसे लगता है कि इंटरेस्ट पैदा हुआ उनको, अब हमें मैथ में मज़ा आने लगा है, इंटरेस्ट हो गया है उनको, और मैक्सिमम से मैक्सिमम एमसीक्यूज वो सॉल्व करते हैं। पहले तो हमारी भाई जो वीडियो होती हैं बेसिक कंसेप्ट की, वो हम
प्रोवाइड करवाते हैं जिसमें बेसिक कंसेप्ट दिया जाता है हर एक टॉपिक की, जो भी टॉपिक स्टार्ट किया जाता है, और अगर उसी टॉपिक की कुछ ट्रिक्स होती हैं साथ में ही ट्रिक्स वीडियो दे दी जाती है। जब आपका बेस और ट्रिक वीडियो आपने वॉच आउट कर ली, नोट डाउन कर लिया, जितने भी थ्योरम्स हैं, थ्योरम्स के रिजल्ट हैं, सब कुछ यहाँ पे करवाया जाता है, वीडियोस में करवाया जाता है। उसके बाद हम आपको प्रैक्टिस पीडीएफ देते हैं, ईच हर एक टॉपिक की मिलती है, जिसमें मैं बात करूँ कि एमसीक्यूज होते हैं 150-150 MCQs, किसी किसी में 200-200 MCQs, इतने इतने क्वेश्चंस होते हैं, और इतने इतने क्वेश्चंस को इन लेक्चर्स में ये भी बताया जाता है, क्योंकि एमसीक्यूज हैं भी, कैसे आपने ऑप्शन से ही एमसीक्यूज को बहुत मज़े से करना है, ठीक है ना। एमसीक्यूज जब होते हैं ना, उसको ना ऑप्शन से भी उठाना होता है, तो ये सारी ट्रिकें आपको सिखाई जाती हैं बैचेस में भी, कैसे आप आधा क्वेश्चन सॉल्व करो और आधा ऑप्शंस में उठ गया, कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ती, डायरेक्ट ऑप्शन से ही उठ जाते हैं, है ना, कुछ को तो सॉल्व करना पड़ता है, तो उसको सॉल्व करने का भी बताते हैं। प्रैक्टिस पीडीएफ करी आपने तो क्या हुए, क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुए, आधे हो गए आधे नहीं हुए, ये तो नॉर्मल बात है, सबके साथ ऐसा होता है। तो फिर लाइव डाउट क्लास होती है, कोई भी बेसिक कंसेप्ट नहीं क्लियर हुआ, है ना, कोई ट्रिक क्लियर नहीं हुई, या कोई एमसीक्यू सॉल्व नहीं हुए, तो हम लाइव क्लास में वो सारे डिस्कस करते हैं। डिस्कस करने के बाद फिर हमारे टेस्ट चल जाते हैं, पहले तो हर एक चैप्टर का टेस्ट होता है, फिर तीन तीन चैप्टर का बंडल बना के टेस्ट होता है, फिर मॉक टेस्ट होते हैं, ठीक है। तो उसके बाद साथ में रिवीजन क्लासेस, जब एग्ज़ाम आ जाता है एग्ज़ाम के टाइम पे रिवीजन क्लासेस चलती हैं, तो ऐसे हम प्रॉपर वे से, क्योंकि भाई गवर्नमेंट एग्ज़ाम मास्टर कैडर क्रैक करना ईजी नहीं है, बहुत मेहनत, बहुत प्रिपरेशन चाहिए, और साथ में प्रॉपर डेडिकेशन चाहिए। और सबसे जो प्लस पॉइंट है ना हमारे कोर्स का, वो क्या है, जो सबसे मेन प्लस पॉइंट आ जाता है, वो आ जाता है हमारा यहाँ पे होमवर्क मैसेज, सॉरी क्या आ जाता है हमारे पास, होमवर्क मैसेज, ठीक है ना। सबसे जो मेन चीज़ है कि हम जितना काम देते हैं, जितना काम हम रेगुलर करवाते हैं, उसका आपके पास एक होमवर्क मैसेज आता है आपके व्हाट्सएप पे, जिसमें बता दिया जाता है कि आज हमने इतना कंटेंट आपको ओपन किया है, इतनी वीडियोस दी हैं, आप इसे पढ़िए, ठीक है ना। पीडीएफ खोल दी है, पीडीएफ सॉल्व कीजिए, रात को लाइव क्लास होगी या नेक्स्ट डे लाइव क्लास होगी, सारी इन्फॉर्मेशन आपको व्हाट्सएप में मैसेज के थ्रू दे दी जाती है। तो आपके माइंड में एक होता है कि आज अगर मैम ने 5 वीडियो ओपन कर दी, आज करनी ही करनी है, कल और डाटा आएगा, ठीक है ना। सो इसके अकॉर्डिंग आप में एक पॉजिटिविटी बनती है, आपको होता है भी काम करना ही करना है। अगर लाइव क्लास लग जाएगी कल, तो आज की आज आपको होता है कि हम एमसीक्यूज कर लें, तो हम डाउट कहाँ से पूछेंगे भाई। तो अपने आप काम करते हो, अपने आप में मोटिवेशन आती है, ठीक है जी। तो ये तो हमारे कोर्स के रिगार्डिंग था, अब मैं आपको बताती हूँ बीएससी के रिगार्डिंग, कि जो बीएससी टॉपिक है उसमें हम कहाँ से प्रिपरेशन करें, कहाँ से नहीं। भाई सबसे पहले तो आता है टॉपिक को क्लियर करना, कोई भी हमारा टॉपिक है, हम बात करें ग्रुप थ्योरी है जिसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, रिंग थ्योरी है, ग्रुप थ्योरी है, रिंग थ्योरी है, है ना, प्लस वेक्टर स्पेस है, बहुत सारे टॉपिक है ना, लिमिट एंड क्वांटिटी ऑफ टू वेरिएबल है, टू वेरिएबल की है, बहुत सारे टॉपिक हैं अगर मैं बात करूँ यहाँ पे। तो सभी टॉपिक को बेस से क्लियर करना है। जा तो आप देखो, आपके पास अगर सबकी पर्टिकुलर बुक्स पढ़ी हैं, फिर तो पहले बुक्स में से टॉपिक क्लियर कर लो, ठीक है ना, बुक्स में से क्लियर कर लो। उसके बाद आप ना एक एमएससी एंट्रेंस एग्ज़ाम की बुक्स आती हैं, एमएससी एंट्रेंस एग्ज़ाम, जैसे पंजाब यूनिवर्सिटी एमएससी एंट्रेंस एग्ज़ाम लेता है, या एक पीजीटी की आती हैं, पीजीटी एग्ज़ाम लिखा होता है किसी पे, है ना, अरिहंत पब्लिशर की आती हैं। तो इसमें से ना आपको काफ़ी हद तक एमसीक्यूज मिल जाते हैं सॉल्व आउट करने के लिए, इसको आप ले सकते हो। लेकिन अगर आपके पास बेसिक क्लियर की भी बुक्स नहीं है, है ना, तो आप ना अरिहंत पब्लिशर की ना एक CSIR नेट, है ना, हम बात करें नेट की बुक आती है अरिहंत पब्लिशर की, नेट क्लैरिफाई के लिए, उसमें पहले बेस दिया जाता है, फिर उसके बाद MCQs होते हैं, है ना, तो आप उसमें से दोनों की हेल्प हो जाती है। ये बहुत बड़ी बुक हो जाती है, हम कहें कि जैसे हम RD शर्मा है ना, सेम डिट्टो, काफ़ी मोटी सारी बुक है ना, और इसमें से पढ़ना अगर आप इंटरेस्ट से पढ़ सकते हो तो वेल एंड गुड है, अगर नहीं पढ़ सकते तो ऑब्वियस है भाई, ऑनलाइन बैच हमारा चल ही रहे हैं, क्योंकि उसमें पढ़ाना हमारी हेडेक हो जाती है, हमने आपको प्रिपेयर करवाना होता है, तो एक एक वीडियोस के थ्रू आपको कंटेंट समझा दिया जाता है, जिससे आपके लिए पढ़ना ईजी हो जाता है। और MCQ इसमें से छांट छांट के देना, वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है, ठीक है ना। अब मैंने +1 +2 का भी बोला टॉपिक, वो खुद आपने खुद छांटना है, अगर आप कोचिंग में आते हो तो वो, उसको हम कहते हैं ना एक तरह का खीर पका के देनी, वो हमने देनी होती है, छांटना, टेस्ट लेने, वो सारा काम फिर हमारा हो जाता है।
है ना, ये एमएससी एंट्रेंस एग्ज़ाम की जो बुक्स आती हैं या गेट क्लियर की जो बुक्स आती हैं उसमें से आपको एमसीक्यूज मिल जाते हैं, तो उसमें से आप एमसीक्यूज प्रैक्टिस कर सकते हो सारे टॉपिक्स को क्लियर करके। और आपको ये भी पता होगा जो मेरा ये चैनल है, इस चैनल पे भी मैंने वैसे ग्रुप थ्योरी की बहुत सारी ट्रिक वीडियो ऑलरेडी अपलोड भी की हुई हैं, है ना, फ्री ऑफ कॉस्ट भी बहुत कुछ अपलोड किया हुआ है, आप वहाँ से भी स्टडी कर सकते हो, है ना। और अगर आप बैच में आना चाहते हो तो आपको स्क्रीन पे नंबर शो हो रहे होंगे, उन पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो, हमारी साइट पे विजिट कर सकते हो और प्रिपरेशन स्टार्ट कर लीजिए, क्योंकि आपको पता है कि काफ़ी हद तक पोस्टें आ चुकी हैं, है ना, और भी आएंगी। एक चीज़ और बताऊंगी, 2 साल के ये तो अभी निकल ही चुकी हैं, आफ्टर 2 ईयर्स क्योंकि काफ़ी रिटायरमेंट होने वाली है, उसके बाद और भी हब में पोस्टें आने वाली हैं, तो अगर अभी से पढ़ना स्टार्ट करोगे तो आपके लिए वहाँ पे भी हेल्प होगी, ठीक है जी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस, और अच्छी लगे वीडियो तो मैक्सिमम आप लोग शेयर करना, ठीक है जी। थैंक यू ऑल ऑफ यू।